सत्यमित्र की कहानी। एक दिन सुबह सुबह दो मित्र समुद्र में नौका विहार करने निकले। वे शांत समुद्र में नाव खेत और गप सप करते हुए जा रहे थे। देखते ही देखते वे किनारे में बहुत दूर गहरे समुद्र में जा पहुंचे। तभी एकाएक आसमान में काले काले बादल घिर आए। तूफानी हवा चलने लगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उनकी नाव लहरों के साथ हिचकोले खाने लगी। अब मृत्यु उनकी आंखों के सामने नाचने लगी। इतना में सौभाग्य उन्हें पास ही तैरता हुआ लड़की का एक परला दिखाई पड़ा। डूबकों को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। दोनों मित्र ने झटपट नाव से छलांग लगाई और तैरते तैरते उस परले को पकड़ लिया। पर परला बहुत ही हल्का था, वह दोनों का भार वहन नहीं कर सकता था। तब एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा, देखो भाई, तुम्हारा शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए तुम्हारा जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ठहरा अकेला, इसलिए मैं मर भी गया तो कोई गर्ज नहीं है। शादीशुदा मित्र ने जवाब दिया, नहीं भाई, तुम्हारी माँ है, बहन है, अगर तुम मर गए तो उनकी देखरेख कौन करेगा? उनकी देखरेख का जिम्मा मैं तुम पर डाल कर जा रहा हूँ। कहते हुए पहला मित्र ने पल्ला छोड़ दिया, वह समुद्र में डूब कर मर गया। शादीशुदा युवक पल्ले के सहारे तैरते तैरते किसी तरह किनारे आने लगा। उसकी जान बच गई, वह सकुशल घर पहुंच गया। उसकी अपने दिवंगत दोस्त की माँ और बहन की जिंदगी भर परवरिश की। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।